all of these visits will bring us closer to an end of the conflict, in line with General Assembly resolutions, international law, and the territorial integrity of Ukraine. दिल को गहरी चोट, और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअल्टी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है। इन तस्वीरों पर आज पूरी दुनिया की नजर है। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 912 दिन हो चुके हैं और पूरी दुनिया इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि पीएम मोदी क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो पिछले ही महीने रूस गए और फिर आज वे यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में थे। दोनों ही देशों में उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी से जिस अपनेपन के साथ मिले, आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात में भी वैसी ही गर्मजोशी नजर आई। अकेले प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन दोनों अपना दोस्त मानते हैं। उनसे पूरी दुनिया को उम्मीद है कि वे रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा सकते हैं। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है। खुद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा युद्ध को समाप्त करने में योगदान देगी। All of these visits will bring us closer to an end of the conflict, in line with General Assembly resolutions, international law, and the territorial integrity of Ukraine. अब आप देखिए, पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के न्योते पर 10 घंटे की यात्रा करके आज जब ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे तो वहां पर उनका किस तरह से स्वागत किया गया। पीएम मोदी यूक्रेन में सिर्फ 7 घंटे रुके और इस 7 घंटे के यूक्रेन विजिट के लिए उन्होंने 20 घंटे ट्रेन का सफर किया। इससे पता चलता है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा कितना अहम है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन मैरिंस्की पैलेस में ज़ेलेंस्की के साथ करीब 3 घंटे बैठक की और ये 180 मिनट अगर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर पाए तो शायद ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना होगी। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के दौरान अधिकतर समय यूक्रेन संकट पर ही चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जंग को लेकर भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा। भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। पीएम मोदी युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले बच्चों की याद में लगाई गई प्रदर्शन को देखकर भावुक हो गए। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पूरी दुनिया को उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।